हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन। तो आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से सीधे उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर जा रहा हूँ, जो कि उस शहर का नाम है पिथौरागढ़। तो बने रहना ब्लॉग में, आज मेरे साथ हैं जिया जी, तो चलते हैं सीधे आज पिथौरागढ़। ठीक है, ये मम्मी लोग को बाय बाय कर देते हैं। ये है मेरी बहन और ये है मम्मी, बाय बाय। जिया जी मेरे साथ चल रहे हैं और ये पकड़ना है ना सेब, जो कि शिमला से आए हैं। चलिए जिया जी, कैसा लग रहा है आपको आज? हम दोनों बहुत टाइम क्या, पहली बार एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ये देखिए ऊपर पे झंडा, मम्मी बाय बाय बाय। तो चलिए चलते हैं मेट्रो में, मेट्रो से जाते हैं आनंद विहार से हमारी बस है। देन बने रहना व्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, अब हम रॉबिन के साथ सीधे पिथौरागढ़ की ओर चल दिए। अब यहाँ से आनंद विहार से बस में पिथौरागढ़। अब देखिए टनकपुर के बाहर रोड खराब होती क्या होती नहीं, तो हल्द्वानी के रास्ते सीधे पिथौरागढ़ जाना पड़ेगा। अभी जा रहे हैं आनंद विहार, वहाँ से हमने पकड़नी है बस सीधे पिथौरागढ़ के लिए। ठीक है, जैसा कि अभी आप देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है हमारे बैकग्राउंड में, कुछ देर बाद आपको दिखेंगे पहाड़। तो बने रहना व्लॉग में, बहुत ही मजा आने वाला आज। तो दोस्तों, अब हम चल दिए दिल्ली से सीधे आनंद विहार से सीधे पिथौरागढ़। तो देखिए यार, टनकपुर कैसा सफर रहता है और कहाँ पे हमें कैसी तकलीफें आती है और कहाँ रोड ब्लॉक रहती है, अधिकतर रोड ब्लॉक है। या हम टनकपुर के रास्ते जाएंगे या सीधे हल्द्वानी के रास्ते। और ये शिमला से जय जी एप्पल लेके आए हैं, बहुत ज्यादा सेब, पूरी पेटी है। मेट्रो के अंदर एंटर हो चुके हैं, अब जाते हैं सीधे आनंद विहार में, एग्जिट मारेंगे आई स्पीटी में, वहां से बस पकड़ के सीधे पहाड़ों में। आनंद विहार ये मेट्रो स्टेशन में, आप यहाँ से एग्जिट मारते हैं सीधे चलते हैं ISBT बस लेने के बाद आपसे मिलते हैं, फिर बताएंगे आपको टिकट कितना है वहाँ का। तो बने रहना, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको अगर आप कभी विजिट करना चाहो पिथौरागढ़। नेपाल बॉर्डर में बहुत ही अच्छी जगह है। तो चलिए तो मैंने अपना पूरा सामान रॉबिन को दे दिया है, अब रॉबिन पता नहीं कहाँ तक पहुँचाता है सेब की बेटी। बस हम पहुंचने वाले हैं आनंद विहार बस स्टैंड, मेट्रो से निकलते ही। तो दोस्तों, ये आ गया हमारा एग्जिट पॉइंट। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार बस स्टैंड पे, मतलब ISBT, और हमें बस भी मिल चुकी है, सीट भी ठीक ठाक मिल चुकी है। तो यहाँ से चलेगी 8 बजे, अभी टाइम हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है जी? टाइम अभी 6 बज चुके हैं, मतलब 7 बज चुके हैं, 1 घंटे बाद बस चलने वाली है। तो बने रहना, ये रही बस हमारी सीट है यहाँ पे। तो चलते हैं, कुछ ऐसा माहौल है आनंद विहार के अंदर का। तो डायरेक्ट पिथौरागढ़ वाली भी बस है, लेकिन वो उसकी टाइमिंग थोड़ा अलग है, तो हम टाइमिंग मैच नहीं कर पाए, इसलिए वो बस निकल गई। अब जा रहे हैं हम इस वाली गाड़ी में, बनबसा छोड़ेगी हमें ये, मतलब टनकपुर डिपो है, वहाँ से हमने दूसरी छोटी वाली टैक्सी करवानी पड़ेगी। तो आनंद विहार से बस निकल चुकी है, अब देखते हैं कहीं पे बस रुकी है, सब बताएंगे आपको। मान 500 चनी दो बार इन शहरों की गिरफ्त से भगा मैं, एक गहरी सांस लेके सब भूला भाई, जादू सा है कुछ सवा में, झंझट से दूर हूँ, पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज, जो करो जो करना नहीं डरना कुछ, अभी भी सोचे क्या सोचे की दुनिया, रहने दो या जाना मुझे घर नहीं, इनको विचारों की है जड़ वही,
ये जो चमके तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है वो जो करीब पास नहीं हम गरीब बात में फिर भी जीत चारी ए अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चिपटा रात इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाल इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला मुझे किस किस ने क्या क्या कहा भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा मैं एक बादल में चलता रहा। सो फाइनली दोस्तों एंटर हो चुके हैं हम पहाड़ों में और पहाड़ों की गोदों में आ चुके हैं। तो हम सुबह करीबन 3 बजे के आसपास टनकपुर पहुंच गए थे। वहां से फिर हमने चेंज किया, वहां से हमने छोटी टैक्सी ली क्योंकि पहाड़ों का सफ़र ना बहुत मोड़ ओड़ वाला होता है तो उसमें उल्टी ज़्यादा आ जाती है बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिलती है ना मोड़ों में। इस वजह से हम हमेशा पहाड़ों का सफ़र छोटी वाली टैक्सी में ही करते हैं, जैसे बुलेरो मैक्स वैक्स जो भी है जो यहाँ पे चलती है उसमें करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं बहुत ही तगड़ी लोकेशन और बहुत ही सुकूनदायक जगह में पहुँच चुके हैं। तो आप लोग को यहाँ के ब्लॉग मिलते रहेंगे तो बने रहना बहुत ही बढ़िया बढ़िया ब्लॉगों के साथ। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं पिथौरागढ़ की वादियों में। अब यहां के एक से एक व्लॉग आएंगे तो बने रहना मेरे चैनल में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और मिलते हैं जल्द ही नए व्लॉग के साथ। ठीक है, एक सिनेमैटिक के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, फिर इस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ। We'll be right back.